चेहरा अलग अलग क्यों होता है? ये है भारतीय चेहरा और ये है चीनी चेहरा। दोनों में डिफरेंस देख ही सकते हो। चीनी लोगों का आंखें बहुत ज्यादा छोटी होती है और भारतीय लोगों का चमड़ा थोड़ा बहुत मोटा होता है, लेकिन फेस में कितना डिफरेंस होता है ये तो देख ही रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? और नॉर्मल रोड जैसे कि ब्लैक होते हैं, हमारे शहर में तो ब्लैक ही होते हैं, लेकिन कतर एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कें नीले रंग की यानी कि ब्लू कलर की होती है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। फैक्ट नंबर 20, आपको जानकर हैरानी होगी कि लीची के बीज जहरीले होते हैं और इसका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको नहीं खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 19, ओलंपिक गेम्स में भारत ने कुल 28 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड और 7 सिल्वर और 12 ब्रोंज है। भारत में ना तो आज तक ओलंपिक गेम हुई है और ना ही 2050 तक होगी। फैक्ट नंबर 18, दुनिया का सबसे लंबा मैथ का सवाल लगभग 15,000 पेज जितना लंबा है। इसे सॉल्व करने में 100 मैथ के टीचर को लगभग 30 इयर्स का समय लगा था, इसलिए ये है दुनिया का सबसे लंबा मैथ का क्वेश्चन। फैक्ट नंबर 17, यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक है, ऐसा कोई पशु नहीं है। फैक्ट नंबर 16, 100 बार हंसना दिन में 15 मिनट साइकिल चलाने के बराबर है। फैक्ट नंबर 15, कुत्ते की याददाश्त तेज होती है, अगर आप उसको सिर्फ एक बार भी खाना खिलाते हैं तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलता है, और साथ ही जब भी कोई अर्थक्वेक या फिर कोई भी ऐसी संभावना बनती है तो सबसे पहले कुत्तों को ही पता चलता है। फैक्ट नंबर 14, ये पृथ्वी का अंतर्राष्ट्रीय झंडा है, इसमें सफेद भाग ये दर्शाता है कि जल जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 13, साइकोलॉजी कहता है अक्सर हम दोपहर के 2 बजे और रात के 2 बजे सबसे ज्यादा थकान महसूस करते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया है कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और अभी तक वीडियो देख ही रहे हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फैक्ट नंबर 12, आप यदि सही साइज का शूज खरीदना चाहते हैं तो दोपहर 3 बजे के बाद खरीदें, क्योंकि इस समय तक पैर सबसे अधिक सूजा हुआ होता है, क्योंकि उससे पहले आप काफी चले हुए होते हैं, इसी की वजह से आपका पैर थोड़ा बहुत सूज जाता है जितना आपके पैर को सूजना चाहिए, इसलिए 3 बजे के बाद ही शूज खरीदना चाहिए। फैक्ट नंबर 11, अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। जापान के अलग ही कानून है, बेचारा आत्महत्या भी कोई करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, भारतीय बैंक नोटों पर 17 लैंग्वेज में रुपयों का वैल्यू लिखा होता है, आगे और पीछे के साइड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में तथा पीछे के साइड में भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से 15 लैंग्वेज में रुपयों का वैल्यू लिखा होता है। जो 15 लैंग्वेज है वो ये हैं: असामिस, बंगाली, गुजराती, कनाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। एक नोट पर ये सब लैंग्वेज में लिखा रहता है कि वो अगर 10 का नोट है तो उसपे 10-15 लैंग्वेज से लिखा रहता है। क्या आपको इससे पहले पता था? अगर नहीं पता था तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट सुनकर शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। एक अनुमान के मुताबिक एक व्यक्ति साल में 1460 सपने देखता है। फैक्ट नंबर 8, कभी भी माफी मांगे तो उसके साथ बहाना ना दें। आज के दौर में आप गलत रह सकते हैं, सच को स्वीकार करने से आपकी इज्जत और भी बढ़ती है, इसीलिए कभी भी सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना भी चाहिए। फैक्ट नंबर 7, कोका कोला का रंग हरा होता अगर इसमें फूड कोलोरेंट नहीं मिलाया जाता तो। फैक्ट नंबर 6, कतर एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कें नीले रंग का होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काला रंग गर्मी को सूख कर उसे रेडिएट करता है, जबकि नीली कोटिंग सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन को 50% तक कम कर सकती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि कतर देश में नीले रंग का सड़क होता है। फैक्ट नंबर 5, स्टडी बताती है कि अच्छी तरह सोने वाले लोग की याददाश्त अच्छी होती है, इसीलिए भरपूर नींद लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, उल्लू अपने सिर को 360 डिग्री तक यानी कि पूरा गोल घुमा सकता है, पर उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिलती है, यानी कि एक जगह स्थिर रहती है। फैक्ट नंबर 3, अगर एक 60 केजी वाला
इंसान का वजन चंद्रमा पर 10 किलो और सूर्य पर 1680 किलो होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 1/6 है और सूर्य पर 24 गुना है। फैक्ट नंबर 2, इस फैक्ट को ध्यान से सुनना। एक रूबिक क्यूब को जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतने बार अलग अलग तरह से रूबिक क्यूब को अरेंज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1 के पहले अभी तक हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि फैक्ट भी इंटरेस्टिंग है। भारतीय चेहरा और चीनी चेहरा अलग क्यों होता है? यह चीनी लोग का थोबड़ा और यह भारतीय लोग का चेहरा, दोनों में डिफरेंस देख ही सकते हो कितना है। चीनी लोगों का आंखें छोटी होती है, वहीं भारतीय लोगों का चमड़ा थोड़ा बहुत मोटा होता है। बात करते हैं चेहरा अलग क्यों होता है। होमो सेपियंस वो प्रजाति है जो कई लाख साल पहले पृथ्वी पर देखी गई थी। वो लोग अभी के टाइम के मॉडर्न लोग हैं। लेकिन होमो सेपियंस जब सेम है तो फिर अभी के टाइम चेहरा अलग अलग क्यों होता है? जैसे चाइनीज के छोटे आंखें, तो आज से कई साल पहले एक ऐसा समय आया कि जिसे इंटरग्लेशियल इंटेरिड कहते हैं, यानी कि गर्मी बढ़ने लगी, सब बर्फ पिघलने लगी, जिसकी वजह से सबको दूसरे अलग अलग घर के तलाश में जाना पड़ा, जिसमें कोई यूरोप के साइड तो कोई एशिया के साइड। और फिर कई साल रहने के बाद एनवायरमेंट के चलते कई चीजें बदली। एनवायरमेंट के हिसाब से जो व्यवस्थाएं चाहिए थी उसमें लोग अपने आप को ढाल लिए। जैसे कि चीनी लोग की आंखें छोटी होती है, क्योंकि आज से कई साल पहले बर्फीली तूफान आते थे जिसके वजह से उनकी छोटी छोटी आंखें उनको बचा पाती थी। और उधर के साइड सूर्य का इतना ज्यादा प्रकोप होता था जिसे नॉर्मल आंखें तो सहन नहीं कर सकती थी। इसी वजह से एनवायरमेंट के चलते कई चीजें बदली, लोगों के रहने का स्टाइल बदला, तो लोग खुद बदल गए। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा कि चेहरा अलग अलग क्यों होता है। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलो मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।